हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं उसका चार्ट ओपन कर दिया हूँ। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। तो अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं SBI बैंक का शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1505 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और जो लास्ट टाइम ऊपर गई है 2.48 रुपीज़ तक ऊपर गई है, 36 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ है। 5 डेज़ का चेक करें तो देख सकते हैं लगातार नीचे गई थी, और 1 मंथ का भी चेक करें तो वही करंट सिचुएशन में है। अब क्या होने वाला है, आज क्या होगा मार्केट में, आज जल्दी ही एक अच्छा फ्लक्चुएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये ऊपर जाने का ज़्यादातर चांसेस है। आप लोग बाई में शेयर्स ले सकते हैं और आप अपनी टारगेट प्राइस 6550 तक रख सकते हैं। उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की चांसेस है और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग को गेन हो सकता है। और याद रखिएगा कि अगर ये ओपन होए आज तो अप्रॉक्स 1% से डाउन से ओपन होए तो तब जाके आप लोग को एक अच्छा प्रॉफिट का चांसेस है। उसके बीच में भी फ्लक्चुएशन मेंटेन रहेगी, जैसे आप लोग देख सकते हैं 1 डे का तो बीच में फ्लक्चुएशन जैसे इस तरीके से फिर से डाउन आ गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन अगर 1% से ज़्यादा ऊपर से खुलती है मार्केट HDFC बैंक की, तो आप लोग वेट कीजिएगा, वो 1% से नीचे आएगी तब जाके शेयर्स बाय कीजिएगा और 550 तक आप लोग को प्रॉफिट हो सकता है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और याद से सबको शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।